हेलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे विल डिस्कस द कॉल जो करना है आपने, राइट? तो विल गो बाय दिस नंबर वाइज। फर्स्ट नंबर इज नेम, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। फादर्स नेम नो प्रॉब्लम, एड्रेस नो प्रॉब्लम, फोर्थ डेट ऑफ बर्थ नो प्रॉब्लम, मोबाइल नंबर नो प्रॉब्लम। उसके बाद ये सारे आपके अपने हैं। फिफ्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, है? सिक्स्थ में, सेवन्थ में आर यू मैरिड, सच्ची बोलोगे? एट्थ में परमानेंट एड्रेस, नाइन्थ में एजुकेशन। नाउ नाइन्थ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मेंशन कर लो। नाउ यू हैव टू मेंशन द एजुकेशन क्वालिफिकेशंस केयरफुली, मतलब एब्सर्ड क्वालिफिकेशंस नहीं भरनी है। आपने एमए इकट्ठी करी हो डिग्रियां, तो आलतू फालतू डिग्रियां डोंट ट्राई टू कलेक्ट राइट हेयर। किसी का कोई इसमें है कोई ऐसा केस? ग्रेजुएशन करी हुई है तो मेंशन कर दिया आपने, बीए, बीएससी, बीकॉम और इक्विवेलेंट। अब पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई डिप्लोमा किया हुआ है कुछ? सर जैसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन में डिप्लोमा किया मैंने। लिख दो हां, लिख दो। अच्छा है। MBA करना लिखना है? मैंने बीए की थी तो उसका, बट अभी रिजल्ट अवेटेड है। अभी थर्ड फोर्थ सेकंड थर्ड फोर्थ फोर्थ सेमेस्टर कोई जल्दी है? ठीक है लिख दो। जल्दी क्या होता है, कई बार बच्चे बी करिए फिर एमए हिस्ट्री कर लीजिए। अब ये एक स्टेट लेवल पे हम कभी भी सजेस्ट नहीं करते कि आप ऐसे आर्बिट्री डालो, हिस्ट्री खा जाओ। वो सीधा क्वेश्चन ये पूछेंगे हिस्ट्री क्यों कर रहे हो, क्या जवाब दोगे? एंड यू कैन नॉट कन्विंस देम। ओ नहीं नहीं जी नहीं, तो ठीक है। यू कैन नॉट से कि मैं अपनी नॉलेज मैंने एनहांस करनी थी, टू एनहांस माई कैपेबिलिटी, एनहांस माई नॉलेज, इस करके मैंने एमए हिस्ट्री ली। नो, तो ऐसा कोई वाइल्ड आपके अगर हो तो यू कैन कंसल्ट मी पर्सनली ऑल्सो। बट अगर बिल्कुल लॉजिकल आपका बनता हो कि हाँ ये ग्रेजुएशन करिए इसके बाद ये करा, देखो। नेक्स्ट इज डिटेल ऑफ स्पोर्ट्स, एनसीसी, एनएसएस। ये बहुत ध्यान से अच्छे से भरना, इसका इम्पैक्ट पड़ता है रना के इंटरव्यू में। कभी आप स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, फील फ्री टू मेंशन इन द स्कूल टीम ऑफ बैडमिंटन। आपको ये शो करना है कि स्पोर्ट्स में भी आप एक्टिव थे। अगर नहीं भी करे आपने थोड़ा बहुत, तो गेम हर कोई खेलता स्कूल में, तो पार्टिसिपेटेड इन दिस, ऐसे करके बना के दिखना है। फिर एनसीसी एनएसएस में वो रखा था आपने स्कूल में या कॉलेज के दौरान, तो वो आपने मेंशन जरूर करना है। चाहे अचीवमेंट कोई ना हो, एक्टिविटी हैज टू बी शोन। देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, इसमें आपकी हॉबीज वगैरह भी आ जाएंगे। तो एक या दो हॉबी आप कोई ना कोई मेंशन जरूर करोगे, आप एक या दो हॉबीज। अगर आपको गलत फहमी है ना कि हाँ इस बायोडाटा में अगर ज्यादा एनजीओ सोशल सर्विस लाना दिमाग का, दे डोंट लाइक। आपको ऐसा बच्चे लगता है कि भाई हाँ ये ब्यूरोक्रेसी है तो सोशल सर्विस मेंशन करना चाहिए, इससे नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। उनको ये लगता है कि भाई अगर सोशल सर्विस ही करनी है तो एनजीओ खोल ले, यहाँ क्या कर रहा है? ये एडमिनिस्ट्रेशन है हार्डकोर। सर हॉबी, ये वॉर है हॉबी में। कुछ भी लाइट सी हॉबी भरो, अगर जेन्युइनली है तो ठीक है, नहीं तो कुकिंग कर सकते हो, मतलब कुक कर सकते हो हॉबी कोई, जैसे रीडिंग होगी, इंटरेक्टिंग विद फैमिली, लेकिन साथ में कोई और करना पड़ेगा आपको लाइट कोई। हाँ व्हाई नॉट, खाली टाइम होता तो आई लव टू इंटरेक्ट विद फैमिली। जैसे मेरी हॉबी नहीं है ये, अगर मैं खाली हूँ तो आई डू समथिंग, तो माई फैमिली ऑलवेज कंप्लेंट किया यू डोंट इंटरेक्ट। कई होते हैं बच्चे नहीं, खाली बैठे हैं चलो बातें मार लो मम्मी से, डैडी से बातें मार लो, उससे बातें मार लो, तो होता है। सर ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जैसे टोटल मार्क्स मार्क्स ऑब्टेंड वाला लिखा हुआ है, बट जैसे हमारे टाइम पे सर सीजीपी आ गया था, लिख दो वो ही लिखते हैं। हां बट वो सीजीपी के फॉर्म में ना एक फार्मूला दिया हुआ है कि परसेंटेज 9.5 से मिलेगा, बट उसमें भी टोटल मार्क्स में क्या लिखेंगे? सीजीपी लिख के ब्रैकेट में परसेंटेज लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके कौन सा नंबर लगने हैं आपके, कोई फर्क नहीं पड़ता।
सीजीपीए लिख के ब्रैकेट में परसेंटेज लिखना चाहते हो लिख लो बस, मल्टीप्लायर को चेक नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं मल्टीप्लायर। और डिवीजन ग्रेड में आपके नंबर नहीं लगने इसके, वो वहाँ पे सीरियस बात होती है जहाँ पे उस चीज की वेटेज होती है, यहाँ कोई वेटेज नहीं है। आप सिर्फ सीजीपीए लिख दो, आप सीजीपीए लिख के ब्रैकेट में मल्टीप्लायर लिख दो, आप सीधा परसेंटेज लिख दो, दे आर नॉट बॉदर्ड, उनको कोई लेन देना नहीं है। सर पढ़ाना टीचिंग ये भी एक्स्ट्रा, हाँ टीचिंग मतलब उसी हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को पढ़ाया है या स्लम्स के बच्चों को पढ़ाया है, ये बोल सकते हैं नहीं हॉबी है ये? हाँ मतलब अभी भी करते हो मतलब क्या करते हो हॉबी वो लिखनी है आपने आपको लिख लो लिस्ट ऑफ हॉबीज, उसमें चूज कर सकते हो आप, रीडिंग जनरल लिखना रीडिंग बस, वहाँ स्पेसिफाई करते हैं कि हाँ ऐसा हम जनरल न्यूज पेपर या कोई मैगजीन या इस तरह की कोई लाइट बुक पढ़ते हैं, रीडिंग होगी, वॉकिंग, जॉगिंग एंड रनिंग, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग म्यूजिक, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग म्यूजिक, सर्फिंग नेट, नेट सर्फिंग है, अरे लिखिए यार, जब 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 है नहीं तो मैं टेक्निक बताऊंगा, किचन गार्डनिंग बताऊंगा सर, जो बता रहा हूँ आप कह रहे हो ये तो यार किचन गार्डनिंग करना है पता नहीं वाह वैसे सुसाइड करना तो और बहुत तरीके हैं। सी यू हैव टू सी योर लिमिटेशंस, मजाक की बात अलग है लेकिन अपनी लिमिटेशंस को हमें बतानी चाहिए ना कि भाई अगर मेरी जनरल हॉबी कोई नहीं है तो आई हैव टू कीप दैट हॉबी जो एक्सेप्टेबल हो, कोई पंगा नहीं लेना है। तो मैंने क्या बोला आपको, रीडिंग अपनी हो गई, अपनी लिसनिंग टू म्यूजिक हो गई है ना, सर्फिंग नेट हो गया, फिर आपका मतलब प्लेइंग, हाँ प्लेइंग कुछ हो गया, पेंटिंग हो गया, क्रिकेट हो गया, जैसे पोएट्री लिखना, हाँ लैटिन पोएट्री अगर है तो लिखो, बैडमिंटन, हाँ प्लेइंग बैडमिंटन, गली बैडमिंटन लिखना, गली नहीं है प्लेइंग बैडमिंटन, that is quite good. अगर आप छोटी छोटी ऐसे मेंशन करते हो, एक या दो मेंशन कर दो बहुत है बस, आप मेरे से चेक भी करा सकते हो, समझा की बात, आप मेरे से चेक कर सकते हो, जो ऑनलाइन लगा रहे हैं वो फोटो खींच के आप पर्सनली व्हाट्सएप नंबर आपके पास है आप दे सकते हो गेट इट चेक, क्योंकि जो आप यहाँ भरोगे उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब यू कैन नॉट फिल इट नॉन सीरियसली एंड यू कैन नॉट चेंज इट, कभी भी चेंज नहीं कर सकते आप इसको, बी वेरी केयरफुल व्हाइल फिलिंग इट, आप एक बार का पेंसिल से भर के यू गेट इट चेक अगर आप चाहोगे। नेक्स्ट आपका आ गया ये एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, नाउ इसमें बहुत ध्यान रखना आपको, इसमें फैक्टर क्या है, जो भी एम्प्लॉयमेंट आपकी है वो भरनी है, कोई चक्कर नहीं, आपने चाहे दो महीने करी है, छह महीने करी है, साल करी है, आपने जो भी एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट में सेमी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट तो आप इग्नोर कर नहीं सकते, यू कैनॉट कंसील इट, रिमेंबर ये आप छुपा नहीं सकते उसको, नंबर एक। नंबर दो, प्राइवेट के अंदर अगर आपने करी है डोंट वरी अबाउट वन मंथ टू मंथ थ्री मंथ फिल इट, अगर भरी है तो आपने करी है नौकरी तो इंटर्नशिप आल्सो, नो नो नॉट इंटर्नशिप, इट्स अ जॉब नॉट इंटर्नशिप, राइट। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि किसी अगर किसी बच्चे का गैप ज्यादा है, सपोज 2013 में आपने ग्रेजुएशन करी, 14 में ग्रेजुएशन करी, 15 में ग्रेजुएशन करी और उसके बाद कोई जॉब है ही नहीं आपके, That gap has to be somehow plugged. तो उसमें थोड़ी सी आप इनोवेटिव होके आप थोड़ा सा कुछ चीज डाल सकते हो उसमें कि बीच में कुछ दिखा दो, मे बी आप बच्चों को पढ़ा रहे थे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या किसी आप वर्किंग कर रहे थे एनजीओ में काम कर रहे थे, अगर ऐसा कोई सर्टिफिकेट बन जाए, या फैमिली बिजनेस, फैमिली में कोई आपकी कोई बिजनेस, अगर फैमिली बिजनेस चाचे मामी ताए किसी का भी है उनकी कोई कंपनी है वहाँ पे आप दिखा दो कि मैनेजर काम साथ में पढ़ रहे थे साथ में ये कर रहे थे। तो अगर बहुत लंबा गैप, दो साल से अगर प्लस गैप है आपका, तो थोड़ा सा आप एक बार या तो अपने आप कर लीजिए या मेरे से कंसल्ट कर लीजिए कि कैसे इसको प्लग करना अगर पॉसिबिलिटी है। हाँ बहुत वाइल्ड झूठ बोलना नहीं है जो बिल्कुल ही पकड़ा जाए, है ना, कहीं आपकी पॉसिबिलिटी हो कि हाँ थोड़ा सा यहाँ पे हम इतना इनोवेटिव हो सकते हैं, देन देयर इज नो हार्म। बट अगर आप बिल्कुल फ्लैट दिखाओगे कि हाँ 5 साल से तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा नेगेटिव जाता है ये,
नो डाउट. अदरवाइज देखो अल्टीमेटली हमें पता है कि यार टाइम कैसे निकलता पता ही नहीं होता. टाइम ठीक है, आपको पलक झपकते ही 4 साल निकल जाते हैं, पता लगता है 4 साल निकल गया यार. तो हम तो गुजरे हुए हैं ऐसे उससे, और आजकल तो टाइम और ज़्यादा जल्दी निकल रहा है, क्योंकि हमारे टाइम पे तो कोई इंटरनेट नहीं था, गूगल नहीं था, कुछ नहीं था, टाइम निकलता ही नहीं था. आजकल तो दिन कैसे निकलता है ये नहीं पता लगता, इतनी इंगेजमेंट्स हैं हमारी अपनी. तो इसलिए हम आप निश्चिंत रहिए कि अपने आप में आप पूरी तरह जस्टिफाइड हैं अगर आपने 4 साल 5 साल बैठ के तैयारी करी है, क्योंकि अपने आप में तैयारी जॉब है. लेकिन उनके लिए थोड़ा सा हमें ऐसा प्रेजेंट करना पड़ेगा कि आप कुछ पॉजिटिवली कर रहे थे. ये इंटरव्यू के टाइम है, इंटरव्यू के टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे. लेकिन अब यू कैन नॉट चेंज लेटर ऑन. ठीक है जी, एक चीज और सर, इसमें मान लो किसी की पहले गवर्नमेंट सर्विस थी लेकिन बाद में डिसइन्वेस्टमेंट होगी तो वो प्राइवेट होगी. मैंने पहले शो किया था गवर्नमेंट सर्विस अपने फॉर्म में, अब प्राइवेट हो गया हमारा बैंक. हाँ. तो अब क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट लिखना पड़ेगा. कौन सा बैंक है? आईडीबीआई बैंक है. प्राइवेट का है वो, सेमी गवर्नमेंट ही है. नहीं, हमने सब हटा दिया ना बैनर, आरबीआई की भी आ गई है ना वो, तो चलो ठीक है. तो अभी फिर क्या लिखना है उस पे, कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा. ये थोड़ी कि आप वहाँ पे गवर्नमेंट भर दोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे. नहीं, एनओसी का पंगा पड़ेगा ना, वो किस तरह एनओसी लेनी पड़ती है ना. एनओसी तो सबसे प्राइवेट को लेनी पड़ेगी. नहीं नहीं नहीं, सबको लेनी पड़ती है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो. रिक्वायरमेंट सबकी होती है, लेकिन कोई ऐसे एनओसी बना नहीं कर सकता. कोई ऐसा आज तक किस्सा नहीं हुआ कि किसी ने प्रिवेंट कर दिया हो कि एनओसी ना दिया हो. और ये वो तो डोंट वरी अबाउट एनओसी. फिर इसमें गवर्नमेंट लिख दे, चाहे जो भी है अगर वो ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाइड एज प्राइवेट है तो प्राइवेट है, बट इट्स नॉट अ वेरी सीरियस मैटर. चलो आगे, उसके बाद आपका आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सारा आपका है ही. साथ में ये थोड़ी आपका एचसीएस का फॉर्म थ्रू ऑफिस जाएगा. नहीं, क्या चीज सर, वही पूछ रहे हैं ना, दो ही हुए ना. कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, सिविल सर्विस में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो डिपार्टमेंट के थ्रू फॉर्म भेज रहे हैं. इसमें होता क्या है कि डिपार्टमेंट को इंटीमेशन देनी होती है कि यस आई एम अपीयरिंग इन दिस एग्जाम, नथिंग एल्स. सिविल सर्विस के एग्जाम को थ्रू आउट इंडिया कोई डिपार्टमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन मना नहीं कर सकती कि आप नहीं दे सकते. बस ये इंटीमेशन होती है कि हाँ मैं पेपर दे रहा हूँ, आप एक इंटीमेशन भी डाल देते होते हो तो प्रॉपर चैनल बन जाता है. सर वो कल मैं एसपीसी में गया था तो उन्होंने बताया कि एक तो डिपार्टमेंट से थ्रू आएगा, वो तो आता रहेगा, बाद में जब आएगा तो तुम एक एक हफ्ते में पहले से दे दो, एक डिपार्टमेंट से आएगा. तो इसलिए आप किस चीज़ की, इसी चीज़ की, दो दो फॉर्म भरने पड़े डिपार्टमेंट के लिए खुद का. ये कौन सा नया क्लास नया कर दिया इस बार इन्होंने, एक एडवांस कॉपी सीधा इसको देंगे हां सरकार के पास टाइम लगेगा और एक अपने ऑफिस में थ्रू प्रॉपर जाएगा. तो यहां पे यस लिखना नो लिखना है, जिन्होंने भेजा है वो यस लिखेंगे, जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू भेज रहे हैं, जिन्होंने जो भाई जो नहीं सर, जिन्होंने अभी तक इंटीमेट ही नहीं किया अपने डिपार्टमेंट को, क्योंकि नॉर्मली क्या होता था इंटरव्यू से पहले इंटीमेट करते हैं, एनओसी लेते हैं, तो फिर वो कैसे भेज सकते हैं, हमारे तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं डिपार्टमेंट वाले उसको. सर हम नॉर्मल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, वो तो नो ही कर देती है. नहीं, नौकरी भरे अगर आप कुछ नहीं करें तभी प्रॉपर चैनल से तो भेज रहे हो, चैनल तो है ही नहीं कि डायरेक्टली दे रहे हो आप. भाई आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेट मी कंफर्म, मैं अपने लेवल पे कंफर्म कर लेता हूँ इस पॉइंट को, 21 नंबर को. थोड़ी सी आप कंट्रोवर्सी बोल रहे हो उसमें, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता. हम फॉर्म देते हैं उसके बाद एनओसी जो है आप लेटर ऑन भी सबमिट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती. जो होता आ रहा है आज तक वैसे तो सर पहले तो यही होता है कि आप इंटीमेट करो डिपार्टमेंट, हाँ, बस के टाइम पे एनओसी ले लो. हाँ, ले लो, वो नहीं भी लोगे तो फर्क नहीं पड़ता होता, वो वेरिफिकेशन तो बाद में होती होती है. तो ऐसा कभी भी ऐसा कोई रूल नहीं था कि दो फॉर्म भरने हैं और एक फॉर्म डिपार्टमेंट के थ्रू उनके पास जाएगा, वो आता रहेगा. वो आना नाना मुझे लगता है कि वो इंटीमेशन को ही कह रहे हैं इस बात को कि आपने फॉर्म भर के डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर दिया कि हाँ मैं ही दे रहा हूँ. डिपार्टमेंट भेजेगा नहीं भेजेगा कौन भेजता है, तो आप ये मेंस का फॉर्म भर के एक डिपार्टमेंट में अपने डाल देना, बात खत्म होगी कि मैं नहीं मेंस दे रहा हूँ.
चलो आगे, फिर भी इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है जो उसकी है लास्ट थिंग दैट इज चॉइसेस, सर्विसेज की चॉइसेस। इसमें देखिए एचसीएस एग्जीक्यूटिव है, देन डीएसपी, देन पीटीओ, देन डीएफएससी, देन जमशेदार, देन एआर, देन एईटीओ, देन डीडीपीओ, देन ट्रैफिक मैनेजर, देन डीएफएसओ, देन एईओ असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर एंड बस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ग्यारह सर्विसेज हैं आपकी इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसकी चॉइसेस जो है आप बाकी तो देखो अपना अपना चॉइस है अल्टीमेटली, राइट। तो अगर जैसे एग्जैक्टली तो नंबर वन भरोगे भरोगे, नंबर टू पे डीएसपी भरोगे भरोगे, किसी ने नहीं भरना नहीं भरेगा वो। थर्ड पे चॉइस आती है कि वेदर इन दोनों में से कौन सी भरनी है, यही है थर्ड में आएगा आपको चॉइस, या ईटीओ पर भरनी है डीएफएससी पर भरनी है, तहसीलदार मैं तो नहीं, मैं तहसीलदार को क्लब करूंगा बीडीपीओ के साथ। डीएफएसओ क्या होगा, फूड एंड सप्लाई ऑफिसर। तहसीलदार को मैं क्लब कर रहा हूँ बीडीओ के साथ, बाकी आपकी मर्जी है। मैं अपना व्यू पॉइंट बता रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है ना, बाकी चॉइस आपकी अपनी है। मेरी जो व्यू पॉइंट है आपसे चाहे ना मैच करे, बट दिस फैक्टर यू कैन टेक इनटू कंसीडरेशन। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कोई कि ये हो गया, ये दोनों को मैं इकट्ठे क्लब कर रहा हूँ, तहसीलदार और बीडीओ क्लब कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एईटीओ डीएफएसओ को क्लब कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं ये तीनों को क्लब कर रहा हूँ। देखो बहुत ध्यान से जो क्लासिफिकेशन बनाई है, वन ये पक्की है, सेकंड ये पक्की है, थर्ड में दोनों में से एक ही। मुझसे कहा जाए फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए मैं इसको तीन भरूंगा, इसको चार भरूंगा, कोई इसको तीन भी भर सकता है और इसको चार भी भर सकता है। नेक्स्ट इज तहसीलदार बीडीपीओ। अब देखने में तहसीलदार बेटर लगता है, कल को पता नहीं क्या जॉब में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी पता नहीं, है ना, लेवल के हिसाब से तहसीलदार ऊपर है नो डाउट। तो या तो आप तहसीलदार को पांच भर लो, इसको छह भर लो, या इसको छह और इसको पांच भी कर सकते हो। मुझे फ्यूचर बीडीपीओ को ज्यादा बेटर लगता है, चेंजेस हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन में या सिस्टम में सारे, अनलेस एंड टिल दे रीडिफाइन द रोल ऑफ तहसीलदार समहाउ। रेवेन्यू मैटर्स में आप पता ही लग गया आपको तहसीलदार का रोल कितना फर्क पड़ गया, पंजाब में हरियाणा में बहुत फर्क पड़ गया आफ्टर कंप्यूटराइजेशन। लेकिन अगर कोई और रीडिफाइनेशन रीडेफिनेशन ऑफ रोल कर देते हैं तो वो है, लेकिन हाँ डेफिनेटली प्रमोशन तहसीलदार से बेटर है जाने की बात करें। अब नेक्स्ट इज एआर डीएफएसओ एंड एईटीओ, ठीक है ना। तो उसमें अभी प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में एईटीओ डीएफएसओ एंड लास्ट रह गया आपका ये सारी बातें, इनमें से ट्रैफिक मैनेजर है, एआर है, अब एआर इज बेटर 10 और 11। सर डीएफएससी का काम क्या होता है मतलब ब्रॉडली? फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर है सारा भाई, आपने उसको 3 इयर्स मतलब ईटीओ को फूड सर ईटीओ क्या मतलब बिजनेस मेरा भी काफी अच्छा। ईटीओ में आजकल ट्रेंड सारा कंप्यूटराइजेशन की तरफ है ना, जीएसटी के बाद कितनी वैल्यू कम हो गई है, नाके तो सारे हट गए हैं, ईटीओ की वैल्यू थी नाकों पे, अब तो सारे खत्म हो गए हैं सारे, अब तो वॉलंटरी रेट्स हैं जिसको गवर्नमेंट बहुत एनकरेज नहीं कर रही। जैसे जैसे कंप्यूटर जीएसटी सिस्टम जो है और कंप्यूटराइज हो जाएगा और स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, ये रेवेन्यू ऑफिसर का काम तो इंटरेक्ट कम ही होना है, इट इज गोइंग टू रिड्यूस। आगे आने वाले टाइम देखो वैकेंसीज बहुत कम हो जाएंगी इसकी, पंजाब में तो ईटीओ की वैकेंसी नहीं निकली, पंजाब में ईटीओ की उन्होंने रिक्रूटमेंट नहीं करी है, कैन यू इमेजिन। हैं यूपीएससी में रेवेन्यू की भी कम हो गई है वैकेंसीज जो हम देख रहे हैं, नहीं है कम कंपैरेटिवली क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइजेशन होता जा रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं ईटीओ पे, मैं थोड़ा सा मुझे डीएफएससी का रोल तो हमेशा रहेगा रहेगा, फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर का रोल तो रहेगा और बढ़ेगा आगे आने वाले टाइम में, जैसे जैसे हमारे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फूड स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे आएंगे
वर्ल्ड ओवर फूड स्टैंडर्ड है। अमेरिका में देखो या यूरोप में देखो तो फूड सप्लाई फूड स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट तो मतलब राजा है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अल्टीमेटली बात ये है कि अभी आज की डेट में देखो तो आपको लगेगा कि यार ये थोड़ा सा कम है, लेकिन आने वाले टाइम में इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी और इसकी कम होगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्ट है तो ठीक है सर, वैसे पब्लिक इंस्पेक्शन तो नहीं है ना डीएफएससी? क्यों नहीं है, क्या बात कर रहे हो? डीएफएससी में पब्लिक इंस्पेक्शन होने तो किसी में नहीं है, ईटीओ की कंपैरेटिवली ईटीओ में कम है, ईटीओ में तो सिलेक्टेड मिल रहे हो आप, डीएफएससी में तो रोज मिलना है इतने लोगों से। ये सर डिस्ट्रिक्ट लेवल कंट्रोलर आ गया ना तो मतलब वो तो जस्ट ऑफिशियल लाइक अपर लेवल ऑफिशियल होगा, पब्लिक इंटरेक्शन तो मेरे ख्याल से ऑफिसर की ज्यादा होगी। आपने क्या फिर तो उसके लिए तो फिर ट्रैफिक हवलदार इज बेस्ट है ना? नहीं ट्रैफिक हवलदार बनने क्या सर, मैं मतलब पब्लिक इंटरेक्शन की बात होती है कि वेदर योर डिसीजन, मैं पब्लिक इंटरेक्शन से ये समझता हूँ कि वेदर योर डिसीजन इन्फ्लुएंस पब्लिक डायरेक्टली। तो डीएफएससी की तो है ही ना, फूड सप्लाई कंट्रोलर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो अभी क्या है हमारे कंट्री में जो फूड स्टैंडर्ड सिस्टमेटाइज नहीं है पूरा सिस्टम, अब बनेंगे आगे 3-4 साल में, तो जैसे बनेंगे तो डीएफएससी पोस्ट विल बिकम इम्पोर्टेंट। आज से मैं 3 साल पहले की बात करूँ तो ईटीओ वाज मच मोर इम्पोर्टेंट दैट, हम डिस्कशन नहीं कर रहे होते हम ईटीओ को ऊपर बढ़ते इसको नीचे बढ़ते, लेकिन आज मैं डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये डेफिनेटली इसका इम्पोर्टेंस कम होने, रिक्रूटमेंट कम होने वाली है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि जो ईटीओ की रिक्रूटमेंट कम हो जाएगी या जो करंट ईटीओ हैं वो इधर ट्रांसफर कर देंगे कहीं और एरियाज बड़े कर देंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। प्रैक्टिकली जान के क्या करना है, एंड तहसीलदार से लैंड का करते हैं, तहसीलदार लैंड का ही करते हैं अभी तक, लैंड रेवेन्यू सिर्फ बीडीपीओ वीडियो ही है वैसे, वही वाली हां वही है लोकल बंदा। और सर तहसीलदार की डायरेक्ट प्रमोशन एसडीएम में होती है, उसके बाद हां होती है उसमें ये फायदा नहीं, ऐसे कुछ कुछ ख्यालों में नहीं रहना, वैसे कह रहा हूं अगर 20 साल में वही भी तो क्या कर लोगे उसका। सर डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफिसर में नहीं होती है डीआरओ में, हाँ डीआरओ में भी हो सकती है, तो डिपेंड करता है रजिस्टर्स होते हैं ना, प्रमोशन होती है, नॉमिनेशन होती है, हर स्टेट का अलग है। पीसीएस एचसीएस को भी डीआरओ लगा देते हैं। यस सर, इसमें कोई ग्रुप बी पोस्ट भी है? ये नीचे वाले सारे ग्रुप बी हैं, ये सारी एक्चुअली ग्रुप बी हैं देखा जाए तो। उसका रीजन ये है कि जैसे पंजाब में डीएसपी की थी, वो एक डीएसपी था, एक डीएसपी जेल था, तो वो डीएसपी जेल डिपार्टमेंट ही अलग हो जाता है ना, मतलब उसमें आप उस डीएसपी में आओगे ही नहीं, प्रोग्रेस करके आओगे भी नहीं, बिल्कुल नहीं आओगे, तो लग ही है तो मतलब उसको भरने का एक तरीके से फायदा ही नहीं होता। इस बार तो चलो जनरल की वैकेंसी ही नहीं थी पीसीएस में, बट भरने का फायदा ही नहीं होता, तो मतलब क्यों फायदा नहीं? ठीक है डीएसपी जेल और क्या डीएसपी तो जॉब यार, जॉब है यार, अभी तो आप इतना उछल रहे हो, जब जाओगे ना अंदर तो कोई जॉब है इस करके छोड़ो इस बातों को, मिल रही है ना, करना हमारे हाथ में, नहीं करना हमारे हाथ में, छोड़ सकते हैं बाद में, अपने हमने तो टेक्निकली बनना है। अब ज़्यादा सेंटिव होना नहीं है आपने कि ये ऊपर नीचे, मोटा सा यही है चक्कर ये, ठीक है? तो दैट इज व्हाट आई एम सजेस्टिंग, बाकी आपकी अपनी घर वालों से कंसल्ट करो, एचसीएस से कंसल्ट करो एज पर योर विशेज ऑफ योर, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है, कल को ईटीओ का फ्यूचर क्या होगा पता नहीं किसी को, ये तो बात क्लियर है ना, इस करके डाउट्स आते हैं, लेकिन ऐसे बंदे से किसी से मत डिस्कस करना जो पुराना हो, जिसके लिए ईटीओ भगवान हो, किसी बिजनेसमैन से कर लोगे हरियाणा में है ना, वो कहते ईटीओ ईटीओ पहले करो, नहीं ईटीओ ईटीओ सब कुछ है, उसने डीएफएससी का सुना नहीं नाम, तो आपको किसी ज्ञानी बंदे से थोड़ा सा देख लेना कि आगे फ्यूचर क्या रहने वाला। पंजाब में ट्रेंड तो बहुत क्लियर है,
जीटीओ वेले बैठे हैं। तो हरियाणा में भी बहुत काम नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया आपका फॉर्म डन। ओके चलो, और कुछ क्वेश्चन पूछना फाइनली आपने? सर इन्होंने कहीं से हमें उनसे डॉक्यूमेंट्स में डोमिसाइल तो मांगा ही नहीं है। डोमिसाइल तो सिर्फ उस केस में होता है अगर आपकी कैटेगरी क्या डोमिसाइल की बात नहीं। डोमिसाइल तो सिर्फ रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए चाहिए, अगर आपको उस स्टेट का रिजर्वेशन बेनिफिट लेना है तब डोमिसाइल की जरूरत है। अदरवाइज तो एनीबडी फ्रॉम द कंट्री कैन अपीयर फ्रॉम दिस एग्जाम, देयर इज नो लिमिटेशन। वो तो कहने की बात है ना, नेचुरली हर स्टेट सिविल सर्विस में होता है कि मैं पंजाब हरियाणा का निवासी हूँ, मैं पंजाब का हूँ। अब हरियाणा का बंदा पंजाब में इंटरव्यू देगा थोड़ा सा तो दो चार होना ही है। मतलब ये जो प्रेजुडिस होता है स्टेट सर्विस कमीशन के इंटरव्यूज में, क्वाइट नेचुरल नेचुरल है सर, नेचुरल लेवल पे होता है, इंटेंशनल लेवल पे नहीं होता। तो सर मतलब अगर ऑप्शन हो कि चंडीगढ़ परमानेंट एड्रेस भरने की, तो आई थिंक वो बेटर रहेगा पंजाब के। वेरी गुड, वेरी राइट, सर्टेनली। अगर एंडोर्समेंट बिलो मस्ट बी फिल्ड एंड साइन बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन द केस ऑलरेडी सर्विंग वेदर इन परमानेंट और टर्मिनेट रिक्वेस्ट इन द गवर्नमेंट और पॉसिबल मतलब करना ही करना है। ये पेज नंबर 5 पे है, सेकंड कॉल पेज नंबर 5 ठीक है। ठीक है चलो, हो गया राइट।